नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे WWF के बारे में। इसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष है। इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 29 अप्रैल 1961 को हुई। कब? 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। WWF एक गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है? गैर सरकारी संगठन। WWF विश्व का सबसे बड़ा और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन है। यह संगठन पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं रखरखाव के लिए काम करता है। WWF के कार्यों की बात करें तो इसके कार्यों में आपका शामिल है, मौजूदा वक्त में इसका अधिकांश कार्य जैव विविधता की दृष्टि से तीन बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है। ये कौन कौन से हैं बायोम? जैव विविधता के तीन बायोम कौन कौन से हैं? पहला वन, दूसरा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, तीसरा है आपका महासागर एवं तट। इसके कार्यों में शामिल है यह विलुप्त प्रजातियों, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देता है। WWF लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है, तैयार करता है इसे, ठीक है। इसकी मदद कौन करता है? जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। इन रिपोर्टों को तैयार करने में इसकी रिपोर्ट इसकी मदद कौन करता है? जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। WWF के कार्यालय की बात करें भारत में तो WWF इंडिया, इसकी स्थापना 27 नवंबर 1969 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडिया को पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को कम करने और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित किया गया जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य हो। 1987 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का नाम बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया किया गया। तो ये था आपका WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में, ठीक है।